आली मर्तबत दीनी सरदार, जिस तरह रोमन कौम बादशाह की फरमाबरदार है, उसी तरह यहूदी कौम भी उसकी दुआ गुजार है। जिस तरह वो शाही अहकाम की हुरमत करते हैं, हम भी करते हैं। जिस तरह वो शाही दुश्मनों को अपना दुश्मन जानते हैं, उसी तरह हम भी उनको अपना हकीर जानते हैं। जब बादशाह का अपनी रेत के हर छोटे बड़े पर यकसा हाथ है, तो महज मजहबी तहसुब की बिना पर उसकी एक शरीफ रियाया को सरे दरबार जलील करना कितने शर्म की बात है। अगर वाकई हम ऐसे हैं, तो हमें ऐसा बेरहम बनाने वाले भी तुम और तुम्हारी ये कौम है। जब तुम हमारे पाक मजहब की हिकारत करोगे, हमारे मुंह पर थूकोगे, हमें कुत्ता समझकर दुत्कारोगे, तो हमारे दिल में इंतकाम का सोया हुआ जज्बा बेदार न होगा? एक गरीब जानवर तक सताने वाले पर पलट कर हमला कर देता है, तो दिल और कलेजा रखने वाला इंसान क्यों कर बदला लेने को तैयार न होगा? यह आफ्ताब जो हमें रोशनी पहुंचाता है, यह दरिया जो हमें पानी पिलाता है, यह ज़मीन जो हमारे लिए गिजा उगाती है, गरज कुदरत की हर वो कुवत जो हमारी खिदमत बदल जाती है, क्या यह सब तुम्हारी मेहरबानी है? क्या तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगानी है? क्या हमारे खुदा तुम ही हो? मेरी कौम के साथ किया गया सुलूक और अजाब, ये सब मुझसे नहीं, अपने बेदर्द दिल से पूछो, अपने खून भरे हाथों से पूछो, अपनी छुरियों और अपने खंजरों से पूछो। क्या हजारों यहूदियों को महज इस कसूर पर कि वो यहूदी मजहब से खुदा को पूछते हैं, सख्त से सख्त अजाब के साथ उनका कत्ल नहीं कराया? हजारों बच्चों को यतीम और हजारों औरतों को बेवा नहीं बनाया? अगर यही अच्छा काम है, तो मुझे बताओ नाइंसाफी और जुल्म किस चीज का नाम? वारे मजहब, वारे मजहबी पेशवा, तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा एक कहानी है, तुम्हारा ऐस है ऐस, हमारा ऐस पानी है, यहां बचपन बुढ़ापा, वहां बुढ़ापा भी जवानी है, तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। तुम सितम करते रहे और हम सितम देखा किए, खानमा बर्बाद होकर रंजोगम देखा किए, ये जर ये नकवतें क्या लेके अपने साथ जाएगा? यहीं रह जाएगा सब, यहां से खाली हाथ जाएगा, यहां से खाली हाथ जाएगा, यहां से खाली हाथ जाएगा।